खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। खुले मन और बंद मुंह। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी तक कोई एकमत नहीं बन पाया। हालांकि जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 2024 के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया था। इस बैठक में ये बात निकलकर सामने आई कि जनवरी के पहले हफ्ते तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जयराम रमेश ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख साफ कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, सीट शेयरिंग में बातचीत होगी, जो करना होगा हम करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए सीट शेयरिंग की बात चल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम खुले मन और बंद मुंह से ही सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस की 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति 28 दिसंबर को होने वाली नागपुर रैली के बाद पार्टी प्रदेश इकाइयों से चर्चा करेगी। 29 दिसंबर से गठबंधन को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इस पर चर्चा के लिए राज्य इकाइयों के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टियों के लिए दिल बड़ा, बड़ी दिल होनी, सब दिल बड़ा। सीट शेयरिंग में बातचीत होगी, जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये सीट शेयरिंग की बात चलेगी। आखिरी पड़ाव में खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। खुले मन और बंद मुंह। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में शामिल दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया था। इस समिति ने सीट बंटवारे से पहले अलग अलग प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करने का फैसला किया है। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद कमेटी जनवरी के पहले हफ्ते में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर फाइनल बात करेगी। बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने 19 दिसंबर को 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता मोहन प्रकाश करेंगे। समिति में 2 पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और मुकुल वासनिक को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।